मतलब जयराम मा तो सब मुद्दा उठाए रहो ठीक हो हाँ। लेकिन कुर्सिया में बैठल के बाद उठतो लालू यादव जैसे बोल ले तो कभी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तो लाग रहा कि जयराम मा तो बदल जितो हो सको हो सकल हो ना हमरा क्लियर बताओ बदलतो कि ना बदलतो स्पष्ट हमरा विश्वास हो जयराम मा तो जेटा बोल रहलो ना जितना बोल रहलो ओ तक करे ना पड़तो मैं कह रहा हूं ए ए रुक रुक एक बड़ा जीएम बेचाय जा हालत करी अरे वो ठीक है सुन ना ए ए दौलत मा तो ए दौलत मा तो ए दौलत मा तो सुनिए मोदी सरकार ऊपर के देख रहा चुनावी नीचे वाला स्तर नहीं देख रहा कि हम एकरा दे दियो वोट एकरा दे देबे तो बेकार हो जीते अच्छा गिरिडीह के समस्या के देखना ना हो दिल्ली देखना हो दिल्ली देखना हो अभी अरे गिरिडीह डूब जाए चलते चलते अभी जरूर लेकिन जितना बोलो ना वो तक करे ना पड़तो ना करे पड़तो ना कभी ना हिम्मत ना करके दिखाई दियो मगर कह रहे लो कि हमरा या तो मार दे या तो कुछ भी कर दे मगर हम फिर गिराबो ना पड़तो कोई सवाल ही ना उठना कर उतना हाल जाल में बाजे ना पड़तो एक पांच पांच मिनट में फोन घुसे लगते ना जमर बेटा मोरल हमर भतार मोरल तीन गो अभी तो रवि नाम आ रहलो मथुरा प्रसाद मातो सीपी चौधरी और जयराम मातो तीनों में खटवैया आदमी के निकलते जयराम मातो ही सबसे अभी सर्वश्रेष्ठ भी माना जा रहा है ये सीपी चौधरी हम लोग यहाँ काम ही नहीं किया तो उनको वोटे नहीं देना चाहिए काम नहीं किया ना पांच साल बर्बाद हो गया पांच साल बर्बाद हो गया आज तक कभी घूम के देखने तक भी नहीं आया कि जीतने के बाद कैंडिडेट का बात कर रहे हैं तो उसमें तीन मुख्यता नाम आ रहा है सीपी चौधरी मथुरा प्रसाद मातो और जयराम मातो इसमें तीनों बेस्ट कौन होगा अभी तो इनका जैसा भाषण चल रहा है उसके अनुसार जयराम मातो है लड़ने वाला है लड़ सकता है और लोकरी क्षेत्र हाँ जैसे भाषण करते हैं जैसा इनका अभी रुझान है लोगों को वैसे तो अभी इनको देख रहा है लोग जोहार नमस्कार मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण 2024 झारखंड में लोकसभा चुनाव है झारखंड 23 साल का हो गया है हक और अधिकार नहीं मिला है यहाँ की पॉलिसी नहीं बनी है तमाम चीजें लोगों के जहन में चल रही है हमारे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं लोग जगे हुए हैं ये कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के विचारों को सुनने के लिए जा रहे हैं इस वक्त हम बिरनी पंचायत में हैं हमारे साथ कुछ चाचा हैं इन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बिरनी पंचायत में माहौल क्या है और लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं चूंकि चौक चौराहों में ये अक्सर चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव आ गया है तो जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी सही से काम करेंगे या फिर लोग बहुत होता है कि सेंटर को देखकर दिल्ली को देखकर वोट करेंगे या फिर जो झारखंड ये गिरिडीह की जो समस्या है उसको लेकर के वोट करेंगे चाचा जोहार की नाम है राजकुमार सिंह राजकुमार सिंह सिंह अच्छा लोकसभा चुनाव है अभी चौक में तो नहीं बैठा रहा सब की चर्चा चल रहा है चर्चा की चल रहा है अभी तो चर्चा सुन चल ना हो स्टार्ट हो शुरुआत पे ये अभी आज स्टार्ट तो हो ही गए ना चाचा स्टार्ट तो हो ही गए की लागू है जे पांच साल काम कर ले और काम के की उपलब्धि रहले पांच साल जी काम कर लो पांच साल में वही बाजार में दे लो सीपी चौधरी की फंड दे लो तो नेते सब बता हमने नेता ना लगी जनता तो लगी आम जनता अच्छा, बड़ा के लोग नेता की जनता 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 तुम्हें बड़ा लगे तोने के की मिलो तोरा की मिलो से डायरेक्ट बोल रहे हमरा अभी कुछ ना मिलल कुछ ना मिलल ना जनता के फायदा ना होले कुछ जनता पंचायत के कुछ फायदा लो चावल दे रहा मोदी सरकार हेमंत सोरेन तो बंद कर दो चावल मोदी सरकार फ्री खिलाए रहा अच्छा चार मिलना चाहिए पांच किलो ला चार की जो खेत है जो सुखाए रहा पानी के व्यवस्था ना हो किसान खेती ना करे पाए रहा वो खेती के सुविधा होवे चाहिए कि पांच किलो चार होवे चाहिए खेती की सुविधा होना चाहिए तो पांच किलो चार हो रहा जो खेती काम करे वाला किसान अब काम ना करे पाए रहा तो कैसे चलते ना वो तो बात सही है यानी तो खेत खलिहान सब बर्बाद कर दे रहे यार पांच किलो चार दे रहे तो कहाँ से कैसे वो तो बात सही है तो इस बार के माहौल की चल रहा है इस बार के माहौल तो अभी हल्ला हो क्या कर हल्ला है हैं अभी हियां तक ऊपर देख लो तू अच्छा अच्छा ठीक है चर्चा की चल रही है बता आइए थोड़ा सा चर्चा से बातचीत करने का प्रयास करेंगे की चर्चा चल रहा है अभी यहाँ के चर्चा चल रहा है मोदी सरकार ऊपर के देख रहा था अभी नीचे वाला स्तर नहीं देख रहा था कि जब हम एकरा दे दियो वोट एकरा दे देबे तो बेकार हो जीते अच्छा गिरिडीह के समस्या के देखना ना हो दिल्ली देखना दिल्ली देखना अभी अरे गिरिडीह डूब जाए चलते चलते अभी अभी पहले ओकरे देख लेबे कि देश तनी कम से कम अच्छा तनी सुधार तो अइले है आ नहीं तो कोई सुधार ना होला मतलब जे सीजीएल में 25 25 लाख में बिक रहल उला चलता है बिकल बिकल हां बेचल दी सब कुछ बर्बाद होई तो चलतो भविष्य बर्बाद होई तो आवे वाला पूरी नुकसान होई तो चलतो मगर दिल्ली अभी ये कोई विकास कोई का सवाल है ना हो अभी पहले देश के देख ले तकर बाद यहां के देख गिरिडीह के क्षेत्र के समझे तो वैसे की देख के फायदा कुछ ना तो फायदा कुछ ना ना जितना भी अभी जैसे सीजीएल के बात कर ले जेपीएससी के लो बच्चा जाओ आठ साल दस साल जाके तैयारी करो आठ साल दस साल और जाके पेपर में लीक हो जाओ अगर बोले वाला कोई नेता मंत्री ना होकर इलाज ना हो चाहिए लीक उस सबसे लिखना हो समझ यहाँ कहती थी जैसे झारखंड के हो नेता सब जो चोर हो तुम वही सब अति कर एक जैसे मोदी हो ईमानदार और सब चोरे मिल जाए तो की करब थी अच्छा एक बात और तो से पूछना चाहो नेता में परिवार बात हो चाहिए हाँ हवे तो चाहिए परिवार बाद मतलब पति हो पत्नी के भी विधायक बना सांसद उठाना हो तो उठाना हो तो
तो तू बोल रही परिवारवाद होना चाहिए। नहीं नहीं अभी सांसद महोदय सांसद लगो रामगढ़ से जाके पत्नी के विधायक बनाए दलो बनाए तो दिले सही बात है तो अपने सोचा लिए नहीं देवे मगर ऊपर देख करके हम दिए पड़ रहा है तो थोड़े दिल हाँ तो की करबे मजबूरी भाई गेलै इटा मजबूरी भाई गेलै हां आ नै तो दोसर के रहतलै न तो ओकरा वोट कैंडिडेट देके वोट न दिख जाय अभी देखो मथुरा प्रसाद कैसे आइ तक तनी ओकरे देखबै आ नै तो फिर जयराम मातो है लास्ट जयराम मातो नाम लली लोकल लगो पहली बार बहुत दिन के बाद अगर तो सोचल भी तो लोकल जे वोटर लगो उ जैसे भी रविंद्र पांडे पांच बार दली दली न दली पांच बार एक बार सीपी चौधरी भी दली उ कहां लगे उ लगो रामगढ़ के लगे और पहली बार एक तो निकलल हो जयराम मातो तो अगर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना अब तो मिलना चाहिए जरूरी है मिलना चाहिए एकदम जरूरी है और अभी देखो हमने कोशिश करके कहां कोशिश कर रहे तो बोले सेंटर के देख के नहीं सेंटर ले मान ले एको छोटा लड़का अगर तैयार हो गरीब के लड़का तैयार भेलो कि ना अच्छा लड़े वाला लड़का लड़ रहा हूं हां लड़ तो रहा है जरूर लड़े वाला के जरिए काट देबी तू आगे कुछ कर पाता अब देखी सब कोई कह रहा था कि ना ऊपर वाला देख के दिए अभी की करते यहां अभी एको सीट वाले करके की करते कम से कम ग्रेडी तो बचे तो हां ग्रेडी बचा सको ये बात है अभी मान ले ये चीज जानो आउटसोर्सिंग में जितना भी हो ECCL, BCCL, जितना तुम कोयल माइंस में सब बहरिया राज कर लो सारी बोल रहे हो सीधे की रगड़ दे लो सबके हां तभी ठीक है ये वाला करते तो इटा हमनी कर पाए की चाचा की माहौल चल रहा माहौल यहां ठीक हो ठीक हो हां वोट कने जीतो चर्चा की चल रहा वोट चारों तरफ का भी हवा चल रहा चारों तरफ हां झूठ के बलवा और ये डिसीजन है तो अंतिम समय में तो फिर भी चर्चा चले तो तुम कौन पार्टी की अभी चर्चा चलो खास करके जयराम के इधर चलो ठीक बीजेपी के चलो बस ऐसे दो बीजेपी का चल रहा जयराम जी का चल रहा की चर्चा चर्चा की चल रहा पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग कौन चीज प्रचारक में है कौन सा कोई प्रचार का नहीं हम लोग यूट्यूब में मीडिया का काम कर रहे हैं लोग जैसे आप कुछ बोल रहे हैं हम लोग यूट्यूब में डाल देते हैं लोग देखते हैं बड़का बड़का मीडिया आज तक और बड़का बड़का चैनल ना आए तो चाचा बड़ा बड़ा आवो की पूछे ले नहीं 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 वो तो नहीं हमने यूट्यूब से ही काम कर रही हो जे तो नहीं बोल भी वाला चला तो नहीं खैर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए प्रचारक के लिए प्रचार ना कर दे नहीं नहीं खैर तोनी जे बोल रही चीज दिखा दो नहीं नहीं खैर ठीक है लेकिन सबसे पहले तो सेंट्रल में है मोदी जी हैं एक ऐसे व्यक्ति जो है जो अभी देश को भी कहां से कहां तक ले गए हैं हमारे इंडिया को कोई मोदी जी तो लोग बहुत लोग मान रहे हैं सीपी चौधरी काम किए हैं 5 साल नहीं वो कोई उतना कोई प्रयास नहीं काम किए सीपी चौधरी वोट मिलना चाहिए वैसे तो मिलना नहीं चाहिए लेकिन सेंट्रल को देखते हुए आदमी अब मजबूर है सोच रहा है अभी जयराम मातो जी आए हुए हैं उनके बारे में भी लोग जयराम जी का आप नाम ले रहे हैं जयराम जी का अगर आप देखेंगे और भी मान ली प्रत्याशी हैं उसमें से जयराम जी को देखेंगे तो अगर बेस्ट अगर चुनिएगा प्रत्याशी में अभी हम पार्टी आई का बात नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट का बात कर रहे हैं तो उसमें तीन मुख्यता नाम आ रहा है सीपी चौधरी मथुरा प्रसाद महतो और जयराम मातो इसमें तीनों बेस्ट कौन होगा अभी तो इनका जैसा भाषण चल रहा है उसके अनुसार जयराम मातो है लड़ने वाला है लड़ सकता है और लोकरी क्षेत्र हाँ जिसे भाषण करते हैं जैसा इनका अभी रुझान है लोगों को वैसे तो अभी इनको देख रहा है लोग देख रहा है हाँ। चलिए और भी हम चाचा से जानने का प्रयास करते हैं की चाचा की चल रहा है माहौल ये सीपी चौधरी हम लोग यहाँ काम ही नहीं किया है तो उनको वोट ही नहीं देना चाहिए काम नहीं किया है न 5 साल बर्बाद हो गया 5 साल बर्बाद हो गया आज तक कभी घूम के देखने तक भी नहीं आया कि जीतने के बाद मतलब भले दूसरा कैंडिडेट आया तो कुछ मिलवो करेगा सीपी चौधरी के नाम से नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ना मिलेगा खट्टे वाला आदमी चाहिए कि नहीं हाँ खट्टे वाला आदमी चाहिए तीन गो अभी तो अभी नाम आ रहा है मथुरा प्रसाद मातो सीपी चौधरी और जयराम मातो तीनों में खटवैया आदमी के निकल जयराम मातो ही सबसे अभी सर्वश्रेष्ठ भी माना जा रहा है जयराम मातो ही ना हाँ जयराम मातो भी माहौल इस बार निकले पाते हो हाँ निकल जाएगा गिरिडीह से पक्का निकलेगा वो देखिए सबसे बड़ी बात हो ना कि गरीब के लगो नोट तो बांटे नहीं पाते कैसा है उसको फ्री सेवा दान किया जाएगा उसको खाली वो खड़ा रहे की चाचा की चाचा हम लोग तो यहाँ का जो है माहौल बहुत तगड़ा है कि जयराम मातो जी के वोट मिलेगा जयराम मातो का सर हर पार्टी को ऐसा काम नहीं है ये घर के ये बाल बच्चा लगे एक वोट तो एकदम मिलते मिलते एकदम मिलते वोट चल चाचा तुम्हें बताओ ककरा वोट देंगे की बोलियो हम तो हमारे देने से नहीं बोला कर देने से नहीं बोला अपन देने से बोल कैंडिडेट तीनों में बेहतर है सुन ले हम YouTube से देख रहे जयराम मातो के भाषण हमरा बहुत अच्छा लगलो आज से ना करीब 50 साल पहले हम ये वाला हम उचार ले लिए हमारा बड़ भाई लगे पूछे कोलेरी हमने हाँ कोलेरी में कितना लड़ाई कर लो लड़ाई झगड़ा करके पैसा दे लो अथी कर लो हमारा ईट बहुत पसंद लगलो एक विचारधारा जयराम कभी कभी तो है लड़ल हाँ लड़ल ककरो हक के लिए आवाज बनल हाँ अपने हक के लिए गाँव मतलब जितना अपन साथी काम कर लो ओकर हक के लिए ओकर बाद 4 साल भी केस भी लड़ल केस भी खेली हाँ ओकर बाद हमने गैंग में किया लो सुन ले नाम हीरालाल महतो सरस्वती देवी पूरन सिंह दुर्गा मांझी
गुड़ा गोड़ रावण माझे पांच छह आदमी थे, पांचों छह आदमी हम लोग करीब 1000 आदमी हम लोग कंट्रोल करते थे। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो सब उधर कोई चला गया, कोई इधर, कोई इसको भेज दिया, कोई इधर भेज दिया। तो जयराम जी क्या है, तू देख रही लड़े वाला में तो तुरा अंदर में कैसा लग रहा? हमारा तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, हाँ एकदम लड़े वाला। और हमारा जितना प्रयास है कि हम सब आदमी के कहबे तो एक रिपोर्ट दी जयराम महतो के। आर को पटिए रखल लुरगर तो की कर जयराम महतो के देबे करबे और कोई पार्टी लुरगर ना ना सब लूट के खाए वाला जते बिहारी जते हो सब तो ले ले चलिए। हमनी सब कहा की कर लगा कहा कोई लोरी में की कर राइट रख से तो हमने जाना है बाबू। हमने के बाल बच्चा साला पैदल ना जा रहा स्कूल और उस सब के बाल बच्चा के मतलब गाड़ी बस मिल रहा है और जब हमने मांगे गए तो हमने भले नहीं मिले और सब तखन हुआ तब दबा हलो जादे कांग्रेसिया के भारतीय जनता पार्टी के रामदास सिंह के सबसे पहला जीतवा हम मतलब काम करे वाला रामदास सिंह के पहला जीतवा वाला हम ही आदमी है जितना ये यहाँ सब बैठा होता सभी। और बाद बहुत लोग तोर जाके रविंदर पांडे चार बार ने पांच बार जीत ले रविंदर पांडे के पांच बार दे दलथिन कोई दिक्कत वाले हमने ना कोई दिक्कत नहीं जरा मातो के भी दे दलथिन तो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं। हम बहरिया के वोट दिलिए पांच साल जितना मतलब जब से हमारे ख्याल तब से बहरिया के वोट मिलल आज तो हमारा बता जो हमारे गाँव में गिरिडीह एरिया के क्या लगे जितना सांसद बनल हो हमारे गिरिडीह एरिया क्या लगे सौभाग्य है ना हमने के सौभाग्य ही है कि गिरिडीह में जो गिरिडीह के वोटर लगे वो खड़ा भेलो पहली बार ठीक है बहुत अच्छा हम तो स्वागत कर रहे हैं तो मिले चाहिए ना वोट हाँ एकदम मिलते एकदम मिलता है। चाचा के कहना है ना ऊपर देखना है सेंटर ओकरा वोट जकर जैसे नहीं सबके विचार अलग अलग सबके विचार यहाँ गिरिडीह सांसद के हम जन्मवासी आर कोई खड़ा भेल जगह पहले तीन तीन बार दो दो बार जगन्नाथ माता भी खड़ा भेल मर जीते नहीं पार भेल नहीं जगन्नाथ माता तो जगन्नाथ माता के बाद कहीं हल की नहीं नहीं कोई कहीं दिक्कत ओकर हल की जनता ओकर हमें जीते पार ले जनता हमें सबरा प्यार भी दलती ओकरा उ जीते काहे नहीं पार ले जीते कहीं पहले आपस में हमने समझौता ना हो ठीक हो तो कहीं कुछ बोल रहे हम कहीं कुछ बोल रही अभी कुछ देर के लिए अगला पार्टी बोले जो बिहरिया तो बिहरिया संगे सब पूरा सेटिंग हलथिन सब ये सब जखन नौकरी करवाल थून बिहरिया संगे सेटिंग हलथुन बता तो के हल बता ना हम यार तो मिला भी नहीं तुम्हें करो अरे एक सुन ले एक कहानी बता ए ए रुक रुक अरे वो ठीक है सुन ना ए ए दौलत मातो ए दौलत मातो ए दौलत मातो सुनिए सुन पहले हमार बतिया तो सुन ना काकी यहां सब कुछ भय रहा है हां हमार कोलेरी में काम करे वाला एक मुंद्रिका सिंह 6 फीट के जवान और इतना चौड़ा हाथ हमने के पैसा मांग वाला है 10-10 रुपया हमने के लिए अरे चल नहीं दी 5-5 टका ठीक रहो सर पैसा दिए गए तो नहीं पैसा लेल के ले सुन हमर बात जयराम महतो जीत रहलो एकरो कोई माइके ला लगरा हर वाला ना है ठीक हो हमर बात सुन लेकिन जयराम महतो जीत के करतो की करतो हां वो तो बोल रहलो की बोल रहलो बच्चा के लिए लड़बे भविष्य के लिए लड़बे एक चीज जैसे सीजीएल में अभी जो घोटाला भेला है 27 लाख में वो आवाज क्यों उठेलो क्यों उठेलो आवाज मतलब जयराम महतो सब मुद्दा उठाए रहो ठीक हो लेकिन कुर्सिया में बैठल के बाद उठते लालू यादव जैसे बोल ले तो कभी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तो लाग रहा की जयराम महतो बदल जीतो हो सको हो सकल हो ना हमें क्लियर बताओ बदलते कि ना स्पष्ट हमारा विश्वास हो जयराम महतो जरा बोल रहे जितना बोल रहे वो तक करे ना पड़ते ना कर लेकिन जीतो जरूर मगर जीत जीतो हाँ जीतो जरूर लेकिन करे ना जितना जो सवाल उठाए रहो जितना मुद्दा रेख रहो सक्सेस ना करे पड़तो सक्सेस ना करे ना इतना ओकरा डोजे मिलते ऊपर से ना इतना ऊपर से पाचरे मिलते चारों बगल से ना नींद ना सूते ना पड़तो जीतो जरूर लेकिन सूते ना पड़तो हमारा नाम लगो बिरनी के दयानंद नाइक लोड कर ले मोरे लोड भाग गेलो ना हमर नाम देना लेकिन सूते ना पड़तो लेकिन जीतो जरूर लेकिन उ ना सक्सेसफुल ना करे पड़तो अच्छा जितना भी तो देखल भी नेता यहां खड़ा बोल एकदम जितना नेता तो देखल ही जितना अभी जिस तरह से जयराम उठाए रहलो वो बात में ककरो और भी नेता मंत्री विधायक उठो ना उठो ना ठीक हो लेकिन बोले और कारण बहुत फर्क अच्छा एक चीज और तरह से पूछो जयराम मतो वार्ड के एक वार्ड चाहे मुखिया लगो ना तो अभी तो देखल भी सुनवे सुनल भी मुआवजा 14 करोड़ अभी तक दिया चुका लोग उटा ठीक है मान के लिए हम ओकर है हिम्मत जब एक वार्ड में और 14 करोड़ दिया जल का है ओकर पहुंच है जरा मातक पहुंच है लेकिन कुर्सिया में बैठल के बाद हो तो बदल जा अच्छा मतलब कुर्सिया में कुछ हाँ जे बदल जीतो ने हाँ अभी अभी तो जीतो ताबे ने पता चलता था ना जो जीते इता इता एकरा बोल दे जाहिर लोग से भेट कर काली मंदिर वो जीतो जरूर लेकिन जितना बोलो ना तो करे ना पड़तो ना कर ना कभी ना हिम्मत ना कर करके दिखाई दियो मगर वो कह रहे हो कि हमारा या तो मार दे या तो कुछ भी कर दे मगर हम फेंक रहा ना पार तो
कोई सवाल ही ना उठना कर उतना आल जाल में बाझे ना पड़ तो एक पांच पांच मिनट में फोन घुसे लगते ना जब बेटा मरल हमर भतार मरल हमर ई भेलक ऊ भेलक कने कने बाजतो कने दौड़तो इतना बड़ा एरिया संभाले पड़ता है पूरा झारखंड के एक आदमी जगन्नाथ महतो बोलिए जीत रहे लेकिन जगन्नाथ महतो जयराम महतो तो देख सकते हैं काफी गर्मा गर्मी हुई और खास करके हम चाचा को धन्यवाद देंगे ये दो चाचा है जो मिल गए जो ये बोले की जयराम आज लड़ रहे हैं कभी 40 साल पहले ये दोनों चाचा और भी लोग थे ये बोल रहे थे कि हम लोग लड़ते थे बाहरियों के खिलाफ कोयला माफिया जो लगातार कोल माइंस को कोड़ कोड़ के बाहर ले जा रहे हैं उनके खिलाफ लड़ते थे क्योंकि बाहरियों का दबदबा ज्यादा था इसीलिए हम लोग नहीं सके पर एक शख्स जयराम महतो आए हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे देखना दिलचस्प उस समय होगा जब वो जीतेंगे और एक अभी दावा भी कर रहे थे भैया कि वो जीतने के बाद बहुत कम वो काम नहीं कर पाएंगे भले कुर्सी में बैठेंगे तो कुर्सी बैठने के बाद चेंज होता है आदमी कुर्सी ऐसा गद्दी है कुर्सी है वो गद्दी ऐसा सीट है जो हर इंसान बदल जाता है इंद्र भगवान को जिम्मा मिला था सिंहासन लेकिन वो भी गद्दारी कर दिया जो भगवान है ये तो जयराम महतो है देखिए गुड बात बोले आप वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं हमारे जितने भी चाचा थे अपनी अपनी बातों को रखें उनके बात कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए चाचा दीजिए जय हिंद जय